आज क्या सामने आपको एक दिख रहा होगा डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक जो अपनी गाड़ियों में आपने देखा होगा, डिस्क ब्रेक लगा होता है, वो आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा। इस डिस्क ब्रेक में हुआ क्या, मैं आपको देखो बताता हूँ। इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता। इस डिस्क ब्रेक में ये पंप होता है, जो पंप दिख रहा है आपको, ये ख़राब हो जाता है। तो ये क्या आपको 50-60 रुपये में बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगा। उसकी जगह देखो हमने नया रखा। आप नया और पुराने में अंतर देख सकते हैं। इसकी जो ओरिंगें होती हैं ना, ये कट जाती हैं। जो ओरिंग दिख रही है ना आपको, ये कट जाती है। तो ये ऑयल को सही से पंप नहीं कर पाता। पंप नहीं कर पाता तो क्या होता है, फिर अपना डिस्क ब्रेक लगता नहीं है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके देखो, जो गैलरी वगैरह होती है ना इसकी, जो आपको दिख रही होगी, ये पूरी तरीके से साफ़ होना चाहिए। ये WD-40 से मैंने साफ़ कर लिया इसका। तो हमको कुछ नहीं करना, ये 50-60 रुपये में नई किट मिल गई हमको, ये पूरी दिख रही होगी आपको। स्प्रिंग ओरिंग शायद ये मिल जाएगी, ठीक। और ये हमारी पुरानी किट, हम इसको हटा देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको इसमें स्प्रिंग डालना। स्प्रिंग के ऊपर जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला देखो, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे ऐसे इसको सेट कर देना है। और उसके बाद आपको ये सरक्लिप कौन सी वाली, ये पुरानी वाली है, और ये इस जगह पे यहाँ पे लॉक कर देंगे हम इसको। देखो ये पुरानी सरक्लिप है और ये हमारा नया सरक्लिप है, ठीक है। हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करके क्या होगा, ये हमारा पूरा पंप लॉक हो जाएगा। उसके बाद ही हम पिस्टन डाल देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा करके। और उसको करने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान ये रखना, पहले मैं इसका बता देता हूँ। और इसको आपको क्या देखना है, कभी भी आप डिस्क काम करवाओ तो आपको डिस्क का क्या ध्यान रखना, आपको ये वाला जो प्लेट दिख रहा है, ये मेरे हाथ में ये दिख रहा है ना, ये प्लेट, ये आपको हाथ से आगे पीछे होना चाहिए। जैसे ये पीछे ओरिंग डली है, ये वाली और ये वाली, देखो ये दिख रही होगी आपको, ये वाली, ये क्या होना चाहिए, ऐसा मूव होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए। क्या डिस्क अपना पूरा इसी के ऊपर कसा होता है, जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, ये पत्तियों के साथ ये ऐसे चिपक जाता है। देखो ये दिख रहा है, ये चिपकना चाहिए, ये चिपकेगा अपने आप और आगे पीछे होना चाहिए। यदि ये आगे पीछे नहीं हो रहा तो आपका डिस्क क्या हार्ड हो जाएगा, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, पैड ख़त्म हो जाएंगे, इंजन पर लोड जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले पंप को सेट करते हैं। पंप को सेट करना मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट बना दे रही। अब क्या अपन को ये पंप के न जो देखिए, अब अपन इसको पंप को बिल्कुल साफ़ कर लिया, अंदर तक आपको साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। अब मैं आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ। सेट करने में कुछ भी नहीं, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये तरफ वाला मुंह ऐसा बाहर आना चाहिए, और ये छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला ये दिख रहा है, इस पर हमारी स्प्रिंग लॉक होगी कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये क्या होगा, लॉक हो जाएगी हमारी स्प्रिंग। फिर क्या करेगी, हम इसको धक्का लगाएंगे, इसी के स्प्रिंग के थ्रू इसमें धक्का लगाएंगे। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं इसके ऊपर, ऐसा कि ये बार बार इधर उधर ना हो, ठीक है। और ये हमारा ऐसा सेट हो जाएगा कि ये इस पर पूरा ऐसा सेटिंग बन जाएगी। और इसको अंदर डाल दे रहे हैं अपन, ठीक है। देखो अभी आपको सामने दिख रही हुई स्प्रिंग, इस पर कुछ इस तरीके से ऐसे लॉक हो जाएगी। अब ये लॉक हो गई तो हमको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना कि ये बड़ा वाला स्प्रिंग का मुँह है ना, इसको अंदर तरफ ऐसे करके और ऐसे इसमें धक्का मार देना बस। अब इसमें धक्का मार के हम इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। देखो ये गया धीरे से, ये हमारा पूरा सिस्टम इसके अंदर चला गया। देखो अब ये अंदर चला गया, आपको ऐसे ही अंदर डालना नया। फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सरक्लिप लगाना पड़ेगा। ये सरक्लिप इस पर हम इस प्लायर की मदद से ऐसे करके लॉक कर देंगे। लॉक करके मैं दिखाता हूँ अभी। अब क्या देखो, अपन ने इस तरीके से इसको रख लिया। अब ये रख के हमको क्या करना, सिर्फ इसको लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे, सरक्लिप प्लायर की मदद से। इससे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के और दबा देंगे। देखो इस तरीके से ऐसे पकड़ के ऐसे ही प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा अपने आप, ठीक है जी। अपना क्या होगा, डिस्क पंप अब ये बैठ गया। जब बैठ गया अब हम इसके ऊपर ये डाल देंगे, ये वाला और ये वाला मैं डाल कर दिखा रहा हूँ। अब क्या, ये देखो लॉक हो गई। ये लॉक हो जाएगी तो आपको अपने आप दिखने लगेगी लॉक हो गई। अब इसको आप चला सकते हो, देखो ये हमारा चल रहा है, पर इसको सूखा ज़्यादा देर ना चला। अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है, देखो अपन को ये वाला पिन यहाँ पे रखना है ऐसे, और जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पिस्टन जो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर हमको इसको डाल के और यहाँ रख के ऊपर से रबड़ लगा देना, और फिर हमारा ये जो लीवर है हम वो लगा देंगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको अभी। देखो कैसे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगी, इस स्प्रिंग के अंदर इसको बिठाना पड़ेगी। कैसे, इसको डालेंगे अपन ऐसी तरीके से, देखो जी ऐसा, और ये डल गया देखो जी। कुछ इस तरीके से आपको डालना है कि ये हमारा इस पर दम बना के रखे। जैसे ही हम दबाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको बैक आने में मदद करेगी, जो दिख रही ना पीछे आने में मदद करेगी। उसके बाद हम क्या रख देंगे, इस पर ऐसे रबड़ रख देंगे, और रबड़ रख के हम अपना लीवर कस देंगे, जो लीवर दिख रहा है ये कस देंगे। देखो अब क्या हुआ, अपना ये पूरा बैठ गया सिस्टम। अब बैठ गया तो अपन को सिर्फ क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे लीवर अपन को ऐसा रखना है, ये यहाँ पे लीवर ऐसा रख कर अपन इसको कस देंगे, और कुछ भी नहीं करना बस।
अपना क्या हो गया, ये डिस्क ब्रेक पूरा रिपेयर हो गया। इसमें सिर्फ 50-60 रुपए का खर्चा आया। और आगे की वीडियो में अपन इसको भी खोल के देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको खोल के मैं आपको बताऊँगा।